हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एबी फूडर। आज के इस वीडियो में हम भेल बनाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक कढ़ाई में तेल डाला था और उसमें राई डाल के थोड़ी सी हल्दी डाल के पफ्ड राइस डाल दिए थे और फिर मक्के की चिप्स को तल लिया था और उसको भी गैस बंद करके फिर इसमें डाल दिया था ऊपर से। और फिर मैंने इन सबको स्टोर करके रख दिया। अब मैं जितनी क्वांटिटी में चाहिए बेल बनाने के लिए उतनी क्वांटिटी में मैंने ले लिया है। और उसके बाद हम इसमें मिक्सर नमकीन डालेंगे। इसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे कि दालें, मूंगफली, ये आपको बाजार में मिल जाएगी। ये डालने के बाद हम एक आलू लेंगे उबला हुआ मीडियम साइज का, वो इसमें डालेंगे। जितने भी सामान आपके घर में अवेलेबल है उसी से आप बना सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये चाहिए ये चाहिए। और उसके बाद मैंने खीरा लिया है, उसको बारीक बारीक कट कर दिया था और अब मैंने इसमें इसको भी इसमें डाल दिया है। इसी तरह से हम प्याज भी डाल देंगे। ये सब कुछ मैंने जो सब्जियां हैं वो बारीक बारीक कट कर ली थी। टमाटर डालेंगे उसके बाद। और ये जो भी है चीज़ें, ये सब कुक्ड नहीं है, तो ये आपको बहुत ही फायदा भी करेंगे आपके शरीर के लिए, बहुत हेल्दी भी है ये डिश। और मैंने नमक डाला है। फिर नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर और चाट मसाला, अगर आपके पास है तो वो भी आप डाल सकते हैं चाट मसाला। और मैंने इमली की चटनी बनाई थी, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो जो खजूर और इमली की चटनी मैंने रेसिपी डाली हुई है मेरे चैनल पे, तो वो आप देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगी। तो लगभग मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें चटनी डाल दी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आप चाहें उतनी इसमें डाल सकते हैं। और फिर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब आती है सर्व करने की बारी। तो आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल लग रही है ये और कितनी हेल्दी भी है। अब हम सर्व करेंगे और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और जब आप ये ट्राई करें तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।